चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। टू मेन एंड फाइव बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन फोर डेज व्हाइल थ्री मेन एंड सिक्स बॉयज कैन फिनिश इट इन थ्री डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड दैट टाइम टेकन वन बॉय अलोन फिनिश द वर्क। स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे, टू मेन एंड फाइव बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन फोर डेज। दो आदमी और पांच लड़के मिलकर किसी काम को चार दिन में फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। फिर आगे व्हाइल थ्री मेन एंड सिक्स बॉयज कैन फिनिश इट इन थ्री डेज, जबकि तीन आदमी और छह लड़के मिलकर उस काम को तीन दिन में ही खत्म कर देते हैं। फिर आगे फाइंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड दैट टेकन बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। तो पूछ रहा है आपसे कि इसी काम को अगर एक आदमी अकेला पूरा करे और एक लड़का अकेला पूरा करे तब कितना टाइम लगेगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्या सॉल्यूशन। सपोज कर ले रहे हैं हम, लेट वन मैन सपोज कर ले रहे, देखिए लेट वन मैन कैन फिनिश द वर्क एक्स डेज, मतलब एक आदमी काम को पूरा करेगा कितने दिन में, एक्स दिन में। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा वन मैन, यहां लिख दे रहे वन मैन वन डेज वर्क। अगर एक आदमी एक अकेला आदमी काम को पूरा करता है एक्स दिनों में, एक्स डेज में, तो वन मैन वन डेज वर्क, तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, वन अपॉन एक्स, कितना वन अपॉन एक्स। ऐसे ही बॉयज के लिए भी, चलिए यहां पे लेट वन बॉय कैन फिनिश द वर्क, इसको हम ले ले रहे वाई डेज। एक लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, वाई डेज में, वाई दिनों में, तो उस लड़के का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यहां लिख देंगे वन बॉय वन डेज वर्क, यहां लिखते हैं वन बॉय वन डेज वर्क, एक लड़के का एक दिन का काम, तो कितना हो जाएगा वन अपॉन वाई हो जाएगा, कितना वन अपॉन वाई हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहां दिया गया टू मेन एंड फाइव बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन फोर डेज। ठीक है, टू मेन एंड फाइव बॉयज, दो आदमी और पांच लड़के किसी काम को पूरा करते हैं कितने दिन में, फोर डेज में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहां देखिए, अगर यहां पर दिया गया आपको वन मेन वन मैन वन डेज वर्क, वन मैन वन डेज वर्क, एक आदमी का एक दिन का काम वन अपॉन एक्स है, तो दो आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टू अपॉन एक्स हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस। फिर अब आते हैं यहां पर देखिए, वन बॉय वन डेज वर्क वन अपॉन वाई, एक लड़के का एक दिन का काम वन अपॉन वाई है, तो पांच लड़के का पांच लड़कों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन वाई हो जाएगा, तो हम लिख रहे फाइव अपॉन वाई इज इक्वल टू, टोटल टाइम कितना लग रहा है, चार दिन लग रहा है, तो चार दिन, तो यहां पे लिखेंगे वन अपॉन फोर। ठीक है, यहां पे देखिए अपॉन में चल रहा है ना, तो यहां फोर था तो वन अपॉन फोर हो जाएगा, इसको हम ले ले रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली सेकेंड हम बना लेंगे, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे व्हाइल थ्री मेन एंड सिक्स बॉयज कैन फिनिश इट इन थ्री डेज, तो यहाँ पे जाइए बिल्कुल सिमिलरली ऐसे इसका भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा थ्री मेन यानी थ्री अपॉन एक्स प्लस सिक्स बॉय यानी सिक्स अपॉन वाई, थ्री मेन तो थ्री अपॉन एक्स प्लस सिक्स बॉय तो सिक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, यहाँ पे लग रहा देखिए इट इन थ्री डेज, कैन फिनिश इट इन थ्री डेज, तो थ्री डेज है तो वन अपॉन थ्री। ठीक, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बन गए, इनको हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन जो आई हैं वो लीनियर है, वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो पहले उनको हमें लीनियर बनाना पड़ेगा, लीनियर बनाने के लिए हम सपोज कर लेंगे, चलिए सपोज कर ले रहे हैं लेट वन अपॉन एक्स है इसको हम ले ले रहे पी एंड वन अपॉन वाई इसको हम ले ले रहे क्यू, हमने सपोज कर लिया जहां यहाँ वन अपॉन एक्स है वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स उसको पी ले लिया, वन अपॉन वाई इसको क्यू ले लिया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ p है वहां पे जहां जहां वन अपॉन एक्स मिलेगा वहां p पुट करेंगे, वन अपॉन एक्स, यहाँ देखिए टू अपॉन एक्स यानी टू इंटू वन अपॉन एक्स यानी यहाँ पे पुट करेंगे क्या p, तो हो जाएगा टू पी, यहाँ हो जाएगा टू पी, फिर आगे क्या है प्लस फाइव क्यू, वन अपॉन वाई की जगह q, तो फाइव क्यू इक्वल टू इधर कितना है वन अपॉन फोर, तो वन अपॉन फोर लिखा रहेगा, ऐसे यहाँ पुट करिए सेकंड वाले में,
तो हो जाएगा 3p + 6q, यहाँ 3p + 6q इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ इसको हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर ले रहे हैं। क्यू का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। चलिए 6 से कराएंगे, 6 × 12p, 6 × 5 = 30, यहाँ हो जाएगा 30q, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 6/4, 2 से अगर क्रॉस आउट करें 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी 3/2 हो जाएगा, आएगा ना। फिर यहाँ पे 5 से कराएंगे, 5 × 3 = 15p प्लस 5 × 6 = 30q, यहाँ पे आ जाएगा 5/3, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ -3p इक्वल टू, यहाँ अगर सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए 3/2 - 5/3, यहाँ देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं 3/2 - 5/3, यहाँ पे आ जाएगा 6, एलसीएम लेंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे 3×2 = 6 नीचे और 3×3 = 9 -2×5 = 10, कितना आ जाएगा -1/6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1/6। चलिए यहाँ लिख ले रहे -1/6, ये आया है -1/6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 × 3, यानी आ जाएगा p इज इक्वल टू 1/18, p इज इक्वल टू 1/18। अब q की वैल्यू चाहिए, तो q की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, चलिए q की वैल्यू के लिए हम सब पुट कर दे रहे हैं, p की वैल्यू पुट कर दें, चाहे तो हम चाहे यहाँ पुट कर दें, चाहे हम इसमें पुट कर दें चाहे इसमें, इसको हम लिख ले रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं, हमने लिखा नहीं कहीं। चलिए इसको हम ले ले रहे हैं फर्स्ट, इसको ले ले रहे हैं सेकेंड, ठीक है। जो इक्वेशन थी 2p + 5q = 1/4 और 3p + 6q = 1/3, 2p + 5q = 1/4 को हमने फर्स्ट ले लिया, 3p + 6q = 1/3 को हमने सेकंड ले लिया, ठीक है। चलिए लेकिन हम फर्स्ट सेकंड ले चुके हैं शायद, हाँ यहाँ पे तो हम ले चुके हैं, तो इसको हटा दीजिए, इसको फर्स्ट सेकंड रहने दीजिए, ठीक। ये दोनों इक्वेशन आई थी बस, अब यहाँ पे इसको हमने ले लिया फर्स्ट सेकंड। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू पुट कर देंगे चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, यही पुट कर देंगे, लेकिन यहां पुट पी इज इक्वल टू 1/18 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर दीजिए चाहे फर्स्ट में, कहीं पुट कर सकते हैं, चलिए सेकंड में पुट कर दे रहे हैं, 3p है तो 3 × 1/18 हो जाएगा, 3 × p की वैल्यू 1/18। फिर उसके बाद है +6q, तो हो जाएगा +6q इज इक्वल टू कितना है, यहाँ 1/3, तो हो जाएगा 1/3। अब यहाँ देखिए 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 1/3, यहाँ पे आ गया कितना देखिए 1/6, 1/6 + 6q = 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 6q = 1/3 - 1/6, यानी हो जाएगा यहाँ पे 6q = सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, ऊपर कितना आएगा 6 - 3, यानी आ जाएगा आपका 6q = आ जाएगा 3/6। अब यहाँ पे इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ सॉल्व कर लेने दिखेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं हम, यहाँ तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3/6, यानी कितना आ जाएगा 1/3 × 3 × 6 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 6q = 1/2, यानी q इज इक्वल टू हो गया 1/12, q की वैल्यू कितनी आ गई 1/12 आएगी। इसको देख लेते हैं एक मिनट, p इज इक्वल टू 1/18 था, अब इसको हमने पुट किया है इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो 3 × 1/18 + 6q = 1/3, यहाँ पे हो गया 3 × 3 = 18, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/6 + 6q = 1/3। फिर सॉल्व करते हैं तो 6q = 1/3 - 1/6, यहाँ पे आ गया 6 - 3/6, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3/6, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना है 1/12, तो 1/12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये p की वैल्यू और q की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया कितना, q की वैल्यू आ गई 1/12 और p की वैल्यू कितनी 1/18। अब हमें x y की वैल्यू चाहिए, तो जहां हमने सपोज किया था, कहाँ सपोज किया हमने, p और q में सपोज किया था ना, ये 1/x को p लिया था, 1/y को q लिया था, तो यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, ठीक। चलिए इसको हम मिटा देंगे, इधर ही कर ले रहे हैं, सिंस चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा के यही जगह बना लिया, यही कर ले रहे हैं, क्या लिया था हमने, सिंस यहां देखिए सिंस हम ले लेंगे, यहां पे हमने क्या लिया था 1/x को लिया था p एंड 1/q को हमने लिया था, क्या लिया था 1/x को p और 1/y को q, 1/x को क्या लिया था p, 1/y को क्या लिया था q,
चलिए वही वैल्यू पुट कर देते, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू यहाँ रख देते। तो यहाँ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू कितनी आई 1/18 आई है ना। उसके बाद अब यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ देखिए 1/y एंड 1/y, 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू, यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी आई 1/12, ये हो गया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 18 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है, वाई की वैल्यू 12।